हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त विपिन स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर देखिए कैस जैसे कि आप जानते ही हैं हम पढ़ रहे आपके लिए नया टॉपिक लेकर आते हैं उत्तराखंड से और उत्तराखंड में काफ़ी सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं उसी को देखते हुए आप देख पा रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी एग्ज़ामों की स्कीम आपके सामने आने वाली है जिसमें आपको निम्न प्रकार के एग्ज़ाम देने मिलेंगे जिसमें आपको कनिक सहायक भी आ रहा है आपका ठीक है फॉरेस्ट गार्ड आपका आ ही चुका है ठीक है और लेखपाल पटवारी की वैकेंसीज़ आपको जल्दी देखने को मिलने वाली तो उसी को देखते हुए टॉपिक को आप मिस नहीं करेंगे ठीक है टॉपिक आप ध्यान से पढ़ेंगे उत्तराखंड पंचायत राज मिनिमम एक और मैक्सिमम दो या तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर ठीक है तो एम सी की है आप देख पा है, है। रहे हैं सीधा क्वेश्चन है लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें तब तक के लिए चलते रहिए हमारे साथ ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ठीक है <coughs> तो आप देख पा रहे हैं अठारह वर्ष नहीं है यहाँ पे ठीक है पच्चीस वर्ष भी नहीं है इज द राइट आंसर इक्कीस वर्ष ठीक है इक्कीस वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए अगर आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र पंचायत को कितनी समितियों का अधिकार होता है देखिए आपकी चाहे ग्राम पंचायत हो क्षेत्र पंचायत हो ठीक है इन सबको क्या होता है कि छह समितियों का अधिकार होता है डी इज द राइट आंसर ठीक है तो क्षेत्र पंचायत को कितनी समितियों का अधिकार होता है छह समिति बना सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम प्रधान त्याग पत्र दे सकता है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका ग्राम प्रधान होता है अगर वो त्याग पत्र देना चाहे तो किसे दे सकता है ठीक है आप मुझे कमेंट कीजिए तब तक मैं आपको बता देता हूँ ठीक है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को नहीं दे सकता डीएम को नहीं दे सकता इसका जो आपका आंसर होने वाला वा है वो होने वाला है राइट आंसर जिला पंचायत राज अधिकारी को ये त्याग पत्र दे सकता है ठीक है <coughs> नेक्स्ट है आपकी सबसे छोटी नगर पालिका परिषद कौन सी है ये आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो सबसे छोटी नगर पालिका परिषद राइट आंसर होने वाला है कीर्ति नगर ठीक है कीर्ति नगर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में कुल कितने नगर पंचायत है देखिए जो आपकी पिछली आपकी योजनाएं गई हैं इनके अनुसार वर्तमान में जो आपकी कुल नगर पंचायतों की संख्या बताई गई है वो है डी इज द राइट आंसर सैंतालीस है ठीक है फोर्टी सेवन है यहाँ पे नेक्स्ट है नगर निकाय प्रणाली की शुरुआत कब से हुई थी तो देख पा रहे हैं यहाँ आपकी नगर पाली जो नगर निकाय प्रणाली की शुरुआत है ये आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ठीक है नाइनटीन सिक्सटीन से उन्नीस सौ सोलह से यहाँ पे शुरुआत हो जाती है नगर निकाय प्रणाली ठीक है नेक्स्ट है किसी भी क्षेत्र का संगठन या पुनर्गठन कौन कर सकता है तो कई आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको आप मुझे आंसर कमेंट भी कर सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो अगर किसी भी क्षेत्र का संगठन या पुनर्गठन करने की बात की जाए तो ये ग्राम पंचायत सबसे छोटी का ये जिला थोड़ा उससे ऊपर केंद्र का इसमें कोई रोल ही नहीं है ठीक है तो यहाँ पे राज्य सरकार आ जाएगा इज द राइट आंसर डी ठीक है ज द राइट आंसर राज्य सरकार यहाँ पे क्या कर सकती है किसी भी क्षेत्र का संगठन या पुनर्गठन कर सकती है ठीक है वो अलग बात है कि मैदानी और पहाड़ी के हिसाब से जैसे भी वो उसका अनुरूप सही लगे वो कर सकती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप ग्राम पंचायतों के चुनाव की तिथि घोषित कौन करता है ठीक है जो आपके ग्राम पंचायत होती है उसकी जो चुनाव की तिथि है उसे कौन घोषित करता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केंद्र सरकार है राज्य निर्वाचन आयोग भी है यहाँ पे ठीक है दोनों मिलकर भी है और डी भी है पर निर्वाचन आयोग के परामर्श पर ठीक है तो जिसका यहाँ पे आंसर जो होने वाला है आपका डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे ठीक है निर्वाचन आयोग करेगा लेकिन परामर्श लेना पड़ेगा उसको किसका राज्य सरकार का ठीक <coughs> है नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों का चुनाव कौन कराता है ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ठीक है ग्राम पंचायतों का चुनाव कौन कराता है ठीक है तो अभी जैसे आप पीछे देख पा रहे थे मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था मैं अगर मैं थोड़ा पीछे लूँ कि ग्राम पंचायत तो के चुनाव की तिथि घोषित कौन करता है तो निर्वाचन आयोग ठीक है परामर्श लेगा राज्य सरकार का ठीक है उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राम पंचायत तो का चुनाव कौन कराता है तो ये जब निर्वाचन आयोग के परामर्श पर कराता है तो राज्य निर्वाचन आयोग ही कराएगा इसका चुनाव ठीक है तो बीज द राइट आंसर नेक्स्ट है किसी भी क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित कौन कर सकता है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मज़ेदार है तो ए इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकता है वो ठीक है नेक्स्ट ग्राम सभा का गठन कौन करता है ग्राम सभा का गठन यहाँ पे सीज द राइट आंसर राज्य सरकार ही करेगा ठीक है क्योंकि राज्य सरकार के हाथों तो में होती है सभी बातें ग्राम पंचायत नहीं कर सकती केंद्र सरकार का कोई रोल ही नहीं है क्षेत्र पंचायत ये नहीं हो सकता इसमें तो राज्य सरकार इज़ द राइट right आंसर नेक्स्ट है पंचायत पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो जैसे ही मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में ही तो इसका आंसर हो जाएगा ए ठीक है ग्राम सभा इज़ द राइट आंसर पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई होती है नेक्स्ट उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम कब पारित हुआ ये आप जानते हैं ठीक है ठीके? उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम टू सिस्टीन दो हज़ार सोलह में यहाँ पे काम हो चुका था <coughs> उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम के लेकर ठीक है नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंचायत राज अधिनियम संवैधानिक रूप से किस राज्य में लागू हुआ <coughs> यह आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ठीक है तो इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पर यह हो जाएगा वो कर्नाटक ठीक है बीज द राइट आंसर सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कर्नाटक में लागू हुआ था ठीक है कई तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी ठीक है तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम देखिए बहसबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है सीधे टॉपिक पर आता हूँ ठीक है और इम्पोर्टेंट्स बातें बताता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच